नमस्कार साथियों, मैं सचिन और आज की इस वीडियो में हम एक नए सुडोकू पजल को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और ये जो सुडोकू पजल है, इस सुडोकू पजल को भी हम उन्हीं रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए फिलअप करेंगे। अब वो क्या रेगुलेशन थे, क्या रूल थे, एक बार उन पे फिर से डिस्कस करते हैं। तो आपको मेनली 3 रूल पे फोकस करना है। और वो रूल क्या है कि ये जो आप स्क्वायर बॉक्स देख रहे हैं ना, ये वाला स्क्वायर बॉक्स जिसके अंदर छोटे छोटे 9 स्क्वायर बॉक्सेस हो रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ही इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। तो ये जो थोड़े डार्क स्क्वायर बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स की बात करूं तो इसमें 5, 7 और 9 ये 3 डिजिट आ चुकी है ना। तो इन 3 डिजिट को आपको फिर से नहीं लिखना है, ना तो 5 को लिखना है, ना 7 को, ना 9 को, किसी को भी नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आ चुकी है। तो बाकी जो बची हुई 6 डिजिट हैं और 6 प्लेस हैं वो आपको लिखने हैं। अब वो जो डिजिट आप यूज करोगे वो 1 to 9 करते हो, 0 को शामिल नहीं करते हो, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक जो भी डिजिट है वो आप लिखते हो। एक स्क्वायर बॉक्स में एक डिजिट एक ही बार आनी चाहिए, ठीक है। जैसे 5 आ गया इस स्क्वायर बॉक्स में, तो 5 अब इनमें कहीं भी नहीं लिखा जाएगा। 7 आ गया इस स्क्वायर बॉक्स में, तो 7 कहीं भी नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही 9 इस इन 6 प्लेस में कभी भी कहीं भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है कि ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं पर्टिकुलर इस स्क्वायर बॉक्स की बात नहीं कर रहा, इस टाइप के जो भी आप देख रहे हैं ना, हल्के डार्क स्क्वायर बॉक्स बन रहे हैं, उनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 1 ये था, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो भी आपके पास रो है हॉरिजॉन्टल, ये वाली, ये रो, ये रो, ये रो, रो, ये हिंदी में बोलते हैं इनको पंक्तियां, ठीक है, पंक्ति। तो ये जो रो है ना, इनमें भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रो की बात कर रहा हूं, तो इसमें 7 आ गया ना, तो अब यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे 7 नहीं आएगा। अगर 7 आ गया तो रिपीटेशन हो गया 7 का, रोंग हो जाएगा इस रो को, ठीक है। तो पहला रूल मैंने क्या बताया, किसी भी स्क्वायर बॉक्स में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये बताया मैंने कि जो आपके पास रो हैं उनमें, रो यानी हिंदी में बोले तो पंक्ति, पंक्ति में भी कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 रूल क्या है, जैसे आपने रो के लिए पढ़ा ऐसे ही कॉलम के लिए, ये जो स्तंभ है वर्टिकल, ये जो वर्टिकल लाइन है इनको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने रो के लिए रूल पढ़ा था, रो में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही किसी भी कॉलम में भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इन 3 रूल को फॉलो करना है आपको। और चौथा रूल तो आपको पता है, डिजिट आपको 1 to 9 यूज करनी है, 0 को शामिल नहीं करना, ओके। तो किसी भी स्क्वायर बॉक्स में कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी भी रो में डिजिट रिपीट होनी चाहिए, ना ही किसी कॉलम में डिजिट रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, रूल हमने पढ़ लिए। अब स्टार्टिंग कहाँ से करें, यहाँ पे तो इतना टिपिकल दे रखा है कि स्टार्टिंग हो ही नहीं रही हमसे। तो इस केस में जब आपसे स्टार्टिंग ना हो तो रेंडमली कोई भी एक ऐसी डिजिट ले लो जो मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिल रही है इस पजल में, जैसे कि मैं बात करूँ 7 की, ठीक है। तो आप स्क्वायर बॉक्स को सिलेक्ट करो, वो स्क्वायर बॉक्स लो जिनमें 7 नहीं आ रहा। इसमें तो 7 है इस स्क्वायर बॉक्स में, अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें 7 नहीं है, तो 7 की पॉसिबिलिटी आप चेक कर लो। अब वो पॉसिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, आप इसके बगल वाले जो भी आपके पास कॉलम्स स्क्वायर बॉक्स हैं उनमें देखो कि कहीं 7 है क्या। बिल्कुल दिख रहा है, इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें मेरे को दिख रहा है। तो ये जो 7 है ना, ये इस रो में है, फर्स्ट वाली रो में है, तो फर्स्ट वाली रो में कहीं भी 7 नहीं आने देगा। अगर गलती से 7 आ गया तो रिपीट हो जाएगा, सुडोकू गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में 7 नहीं लिख सकते हैं इस 7 की वजह से। अब यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, ये 4 प्लेस बाकी है। तो अब नीचे की तरफ भी देख लो, ये जो 7 है ये 7 भी इन दोनों में नहीं आने देगा, इसमें भी नहीं आने देगा, लेकिन वो तो ये भी मना कर रहा है कि भाई इसमें तो मेरा राज है, मैं नहीं चलने दूंगा। ये भी कह रहा है इसमें मेरा राज है, ठीक है, ये भी नहीं चलने देगा 7 को। तो अब 2 प्लेस बचे आपके पास, या तो 7 यहां पे हो या 7 यहां पे हो। ये 7 नहीं आने देगा इसमें, ये 7 इनमें नहीं आने देगा। तो बची 2 पॉसिबिलिटी, ये वाली और ये वाली। और जब भी आपको सिंगल डिजिट के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी, सिंगल प्लेस ना मिल जाए,
तब तक आप उसको फिल नहीं करोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेवन के लिए दो पॉसिबिलिटी है, डिजिट हमारे पास एक ही है केवल सेवन, और पॉसिबिलिटी दो आ रही है, तो यहाँ पे आप रिस्क समझोगे और रिस्क आपको लेनी नहीं है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दो, ठीक है। जब तक कि आपके पास सिंगल डिजिट के लिए सिंगल प्लेस ना बच जाए तब तक आप फिल नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना है। रिस्क नहीं लेना है कि सर दो ही तो पॉसिबिलिटी है, सपोज अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके हम यहाँ पे सेवन कर देते हैं और हो गया गलत, वो सेवन यहाँ पे आता तो आपका सुडोकू गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्क तो यहाँ पे बिल्कुल 1% भी नहीं लेनी, 0.0001% भी नहीं लेनी आपको, ठीक है। अब और देखो सेवन कहाँ पे आ सकता है, इस स्क्वायर बॉक्स में नहीं है, इसमें ऐसे ही चेक करते हैं। इस सेवन की वजह से दोनों प्लेस ब्लॉक हो गए, नहीं आएगा सेवन। इस सेवन की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, तो सेवन की ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी है इसमें, तो इससे भी ज़्यादा रिस्क है। इसमें दो ही थी, इसमें तीन तीन आ रही है, छोड़ो मारो गोली इसके। और सेवन यहाँ पर नहीं है, इसमें तो है, इस स्क्वायर बॉक्स में नहीं है, इसको चेक करते हैं। इस सेवन की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो गए, नहीं आएगा सेवन। इस सेवन की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो गए, अब दो पॉसिबिलिटी बची है, लेकिन ये भी तो सेवन है यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड, इस सेवन की वजह से ये भी ब्लॉक हो गया, तो एक पॉसिबिलिटी एक डिजिट के लिए बची, तो डेफिनेटली सेवन को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। इस टाइप से आप अपने सुडोकू की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कैसे की जाती है वो मैंने आपको बता दिया, चलो और देख लेते हैं, इसमें भी सेवन नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इस सेवन की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, इस सेवन की वजह से ये दोनों बॉक्स ब्लॉक हो गए, तो ये भी ब्लॉक हो गया सेवन की वजह से, ये भी ब्लॉक हो गया सेवन की वजह से, मतलब इनमें भी सेवन नहीं है, इनमें भी सेवन नहीं है, और इस स्क्वायर बॉक्स में नहीं था, लेकिन स्क्वायर बॉक्स में अगर कोई डिजिट नहीं है 1 to 9 तक, तो एक बार तो कम से कम आएगी वो, तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे इन चार बॉक्स में तो सेवन इन दोनों की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो सेवन को डेफिनेटली फिर यहीं पर आना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ऐसे ही आप जो और बच गए उनको भी चेक कर सकते हो, अगर मैं इसको चेक करूं तो इस सेवन की वजह से ये दोनों ब्लॉक, इस सेवन की वजह से ये ब्लॉक, अब क्या करें, 1 2 3 तीन पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, नहीं लेंगे। अगले पे आ जाओ, इसमें भी सेवन नहीं है, सॉरी, तो इस सेवन की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो गए, इस सेवन की वजह से ये ब्लॉक हो गया, अब सेवन की यहाँ पे 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो और भी ज्यादा रिस्क है, नहीं लेंगे सेवन को। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था सेवन को लेना है, मैंने ये नहीं बोला कि सेवन सभी में आएगा, कम से कम शुरुआत तो हो हमसे, तो शुरुआत हमने कर दी है, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे डिजिट लेके भी इस टाइप से शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये, आपने शुरुआत तो कर दी, अब दूसरा ये कि आप ये देखो किसी रो में या कॉलम में ज्यादा डिजिट कौन सी है, उनको आप उठा लो। जैसे कि मैं रो की बात करूं तो यहाँ पे देखो दो ही डिजिट मेरे को मिल रही है, यहाँ पे तीन मिल रही है, यहाँ पे दो मिल रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, हाँ ये कुछ ठीक ठाक जम रहा है मेरे को, तो पहले मैं इस रो को फिलअप करना चाहूंगा, ठीक है। अब इसको फिलअप करने के लिए क्या किया जाएगा, तो अब आप ये देखो इसमें कौन कौन नहीं है, पहले उनको उनको निकाल लो, कौन कौन गायब है इसमें, एक तो वन नहीं है, टू नहीं है, वन आएगा टू आएगा, थ्री ऑलरेडी है, फोर ऑलरेडी है, फाइव नहीं है, तो 1 2 5 और 6 7 8, एट नहीं है, ठीक है, 1 2 5 8, ये चार डिजिट हमको चार प्लेस में लिखनी है। अब देखो वन की पॉसिबिलिटी क्या है, वन यहाँ पे ना इस स्क्वायर बॉक्स में कहीं नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर कहीं भी आपने लिख दिया तो वो रिपीट हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी नहीं आएगा भाई, कहीं भी नहीं आएगा ना, इस स्क्वायर बॉक्स में आ गया तो, ठीक है। वन की पॉसिबिलिटी इस स्क्वायर बॉक्स में है नहीं, हम इस रो की बात कर रहे हैं तो रो में भी नहीं होगा, तो यहां पे अगर वन नहीं है तो वन की ये तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, वन की तीन पॉसिबिलिटी। थोड़ी देर के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिस रो को आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, जिस रो को आप भरना चाह रहे हो, उसमें किस किस को चेक कर लिया और किसकी पॉसिबिलिटी आप कहां पे दिखा रहे हो। जैसे कि मैंने वन की पॉसिबिलिटी यहां पे दिखाई है, बेशक रिस्क है हमको पता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको याद रखना है, ठीक है, कि हमने वन को यहाँ पे इन तीन प्लेस में भरना है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं भरा जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। अब कौन गायब था, टू, तो टू यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास रो है, कॉलम है, इस कॉलम में ये टू आ चुका है, और मैंने आपको बताया था रूल थर्ड कि किसी भी कॉलम में कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी, अगर आपने टू यहाँ पे कर दिया तो देखो इस कॉलम में टू यहाँ पे और यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, इसका मतलब टू की पॉसिबिलिटी भी नहीं है यहाँ पे, तो टू भी इधर आएगा। अभी आपने देखा टू, वन की पॉसिबिलिटी इधर थी,
टू की पॉसिबिलिटी भी इधर है और इधर भी टू की पॉसिबिलिटी इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रही है, तो टू की तो दो ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इस टू की वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। वन की तो तीनों में पॉसिबिलिटी है क्योंकि ऊपर नीचे कहीं भी वन नहीं है, तो तीनों पॉसिबल केस हैं वन के लिए, लेकिन टू के लिए इस टू की वजह से ये पॉसिबल केस ना बन के ये दो केस बनेंगे, तो टू के लिए दो प्लेस बाकी हैं, रिस्क भरा है। ठीक है, और कौन गायब था? थ्री फोर फाइव, फाइव नहीं है। अब देखो फाइव की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं नहीं है इस रो में, इस कॉलम में, और इस कॉलम में भी फाइव नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटी है। इस कॉलम में ये देखो ये आ गया फाइव, यहाँ पे फाइव नहीं आएगा। अभी तक दो पॉसिबिलिटी बन रही है, फाइव यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है, ऊपर नीचे कहीं नहीं है, तो फाइव की भी तीन पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है। ठीक है, और एट, एट की पॉसिबिलिटी देखो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो एट को फिर इन तीनों में आना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों में भी ऊपर नीचे कहीं नहीं है एट। अब यहाँ पे आपको शार्प माइंड यूज करना है, और वो क्या? वो ये कि अभी आपने देखा कि वन टू और एट, वन टू और एट यहां पे नहीं आ सकते थे इस रो, इस कॉलम की वजह से, इस कॉलम की वजह से वन टू और एट यहां पे नहीं आ सकते, तो वन टू और एट इन तीनों में ही तो आएंगे। आपने वन टू एट थ्री डिजिट ली है और यहां पे थ्री प्लेस है, तो डेफिनेटली वन टू एट इन तीन में ही फिक्स होंगे। अब जो बच गया वो यहीं पे आएगा, तो अब बताओ क्या बचा था इस रो में? फाइव बचा था, तो वन टू एट इन तीनों में से कहीं भी हो सकते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे पास फोर्थ डिजिट है फाइव, वो डेफिनेटली फिर यहीं पे आएगी, क्योंकि वन टू एट को तो इस रो में आने से मना कर रहे हो आप रिपीटेशन की वजह से, तो वन टू एट फिर इधर भगेंगे, तो वन टू एट ने तो अपना स्थान ले लिया इन तीनों में से वन बाई वन। ठीक है, तो अब ये जो फाइव है इसको फिर ये मिल जाएगा, तो डेफिनेटली फाइव को यहीं पर आना पड़ेगा। इस तरीके से आपको शार्प माइंड यूज करते हुए इसको फिलअप करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब ये फाइव आपने लिख दिया, अच्छा अब देखो अगर मैं इसमें देखूं, अब इस वाले में, तो इस वाले में किसको देखूं मैं? सपोज मैं इसमें आ जाता हूं, क्योंकि इसमें चार ही कॉलम मेरे को दिख रहे हैं, चार बॉक्स भरने दिख रहे हैं। ठीक है, कम है थोड़ा इस सेवन की वजह से। अब यहां पर देखो इस स्क्वायर बॉक्स में किस किस की कमी है? एक तो वन नहीं है, एक थ्री नहीं है, एक फाइव नहीं है और एक नाइन नहीं है, वन थ्री फाइव नाइन। तो इस स्क्वायर बॉक्स में इस वन की वजह से इन दोनों में वन नहीं आएगा, तो वन की दो पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, टू थ्री, थ्री की पॉसिबिलिटी, थ्री की पॉसिबिलिटी तो बहुत सी बन रही है, रिस्क नहीं लेंगे। फाइव की पॉसिबिलिटी, अब देखो इस फाइव की वजह से फाइव यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब आप समझे यहाँ पे कौन कौन आया? वन इनमें नहीं आएगा, डेफिनेटली वन इन दोनों में से ही आएगा। फाइव इनमें नहीं आएगा, डेफिनेटली फाइव इन दोनों में से ही आएगा। अब आपने फिक्स कर दिया क्या? दो प्लेस और दो डिजिट आपने फिक्स कर दी इनमें, वन और फाइव, वन और फाइव यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, लेकिन स्क्वायर बॉक्स में तो आती हैं। मैंने बताया था आपको रिपीट नहीं होना चाहिए, वन टू नाइन डिजिट तक होनी चाहिए सारे। ठीक है, तो वन टू नाइन में वन और फाइव भी तो शामिल है, तो वन भी यहां पे आएगा, फाइव भी यहां पे आएगा, इन दोनों में से किसी भी एक में वन, किसी भी एक में फाइव, दो डिजिट दो प्लेस फिक्स कर दिया आपने। अब बताओ वन और फाइव को आपने जब फिक्स कर दिया इसमें, तो इस रो में कहीं भी इनके अलावा वन फाइव आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो वन को अगर मैं एलिमिनेट करूं तो वन इनमें नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहां पे बता रखा है इसकी वजह से यहां पे नहीं आएगा, तो वन की थ्री पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, वन नहीं लेंगे। और आपने यहां पर क्या लिखा था? यहां पर वन और फाइव लिखा था। अब देखो अब आएगा आपको खेल समझ में, आपने फाइव को यहां पर फिक्स कर दिया, कर दिया। ठीक है जी, इस स्क्वायर बॉक्स में फाइव आ गया तो कहीं भी नहीं आएगा फाइव, इन चारों में और पांचों में फाइव नहीं आएगा, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा अगर फाइव आपने लिख दिया तो इस स्क्वायर बॉक्स में, तो फाइव यहां पे भी नहीं है। फाइव आपने यहां पे लिख दिया तो ये कहीं भी आने भी नहीं देगा इस रो में, ऊपर इस कॉलम में ऊपर कहीं नहीं आने देगा, क्योंकि ये कह रहा है मैं इनमें से कहीं किसी एक में हूं, उसका प्लेस फिक्स हो गया, तो डेफिनेटली ऊपर फाइव कहीं नहीं आएगा। तो इसका मतलब फाइव यहां पे भी नहीं है, फाइव यहां पे भी नहीं है, इसकी वजह से यहां पे नहीं है और यहां पे नहीं है, और इसकी वजह से यहां पे नहीं है, दो पॉसिबिलिटी, और इसकी वजह से यहां पे नहीं है, सिंगल पॉसिबिलिटी फाइव के लिए। क्लियर? ऐसे आपको शार्प माइंड यूज करके पूरा फिल करना पड़ेगा। और अगर ऐसे शार्प माइंड यूज करके आपने ईमानदारी से बिना चीटिंग के एक सुडोकू पूरा कर दिया,
तो ये मान लो आपको चाहे दैनिक भास्कर का हो, चाहे राजस्थान पत्रिका हो, कोई भी पत्रिका पेपर हो, या फिर जो आपके सैमसंग मोबाइल में सुडोकू होते हैं उनको सोल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, गारंटी इस बात की, ईमानदारी से अगर आपने इस टाइप का एक सुडोकू सोल्व कर लिया तो। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये जो 5 है ना ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ और डालना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक डिजिट मिलती है, जब भी आपको एक प्लेस में एक डिजिट दिख जाए ना, आपने फिल कर दी हो, तो उसके फिलअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो अब हम 7 पे अटक रहे थे ना, 7 हमने स्टार्ट किया था, तो 7 को अब यहाँ पे फिलअप करके देखो, अब पॉसिबिलिटी बन रही है, एक बार इसमें भी चेक करके देख लो 7 की पॉसिबिलिटी। 7 इसकी वजह से ये कैंसिल, ये तो पहले ही कैंसिल हो रहा था, तो 5 से इस पे तो कोई रोल पड़ेगा नहीं 7 को फिलअप करने के लिए, हो सकता है इस पे पड़ जाए। देखो इस 7 की वजह से ये दोनों कैंसिल, इस 7 की वजह से ये तीनों कैंसिल, तो 7 की दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब भी बात नहीं बनी। अब क्या करें, बात नहीं बनी तो बनाएंगे बात। अब वापस आ जाओ इसी पे, देखो यहां पे आपने बोल रखा था कि यहां पे कौन कौन आएगा, 1 और 5 आएगा, तो इस स्क्वायर मॉक्स में और तो देख लो, 1 और 5 तो आपने फिल कर दिया, कौन कौन बच गया, 3-9 बच गया ना, तो यहां पे 3 यहां पे 9 हो सकता है ना, इन दोनों में से किसी एक में 3 किसी एक में 9, तो इन दोनों में आपने 3 और 9 को फिक्स कर दिया, और 9 मेरे को यहां पे दिख रहा है, ये 9 इधर कहीं भी नहीं आने देगा 9 को, और यहां पे आपने किसी एक में 9 को फिक्स कर दिया, तो ये इधर वाला जो 9 है वो इनमें नहीं आने देगा, तो 9 के लिए ये कैंसिल हो गया, 9 के लिए ये कैंसिल हो गया, दो पॉसिबिलिटी, और 9 इस 9 की वजह से ये भी कैंसिल, तो 9 की ये पॉसिबिलिटी बाकी है। फिर से मैंने वही रिपीट किया है, जैसे पहले मैंने 1-5 को यहां पे नहीं आने दिया था, इनमें फिक्स किया था, और 1-5 यहां पे फिक्स हो गया था, तो ये कैंसिल कर दिया था, ये कैंसिल कर दिया था, और इनमें आपने देखा था, ठीक है, इनमें आपने फिक्स किया था, ओके, ऐसे 5 जैसे 5 किया वैसे ही मैंने 9 करवाया है, ओके। अब एक बार देखो 7 की पॉसिबिलिटी, 7 यहां पे नहीं 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 9 गलत आ गया, अगर ये 9 इधर उधर खिसक जाता तो हम 7 को फिल कर पाते, तो 7 यहां पे कोई रोल अदा नहीं कर रहा है इस बॉक्स में, ये 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको देखूं अब, क्या इसमें 7 आ सकता है, चेक करते हैं, इस 7 की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो गए थे, इस 7 की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, अब 7 की दो पॉसिबिलिटी यहां पे और यहां पे है, तो कोई फायदा तो नहीं हुआ, फिर क्यों देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने इस रो में, ये वाली जो रो है ना, इसमें आपने 5 को फिल किया है, अगर 5 को फिल आपने कर दिया है तो एक बार आप सारे डिजिट चेक करके देख लीजिए। अगर मैं 1 को देखूं तो 1 की पॉसिबिलिटी ये भी है, 1 की पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि ऊपर नीचे कहीं नहीं दिख रहा मेरे को, ये भी है ये भी है ये भी है, तो 1 की तो बहुत सी पॉसिबिलिटी है, छोड़ो उसको। 2 को देखो, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में 2 आ चुका, ठीक है जी, 2 यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है, 2 यहाँ पे और यहाँ पे, 2 की भी 4 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है नहीं लेंगे। 2 के बाद 3 को देखते हैं, ओके, अच्छा अगर मैं 3 को देखूं तो 3 की पॉसिबिलिटी मेरे को यहां पे नहीं मिल रही इसकी वजह से, तो 3 की ये पॉसिबिलिटी है, सॉरी ये कट गया, 3 की ये पॉसिबिलिटी है, यहां पे नहीं है, 3 की ये पॉसिबिलिटी बन रही है, पर ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। 4 को अगर मैं देख रहा हूं तो 4 में मेरे को बहुत सी पॉसिबिलिटी दिख रही है, यहां पे नहीं है इस 4 की वजह से, 4 की पॉसिबिलिटी ये है, ये भी है, ये भी है, और यहां पे भी है। 5, 6, 7 को देखो, अब 7 की पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है और इसमें भी नहीं है। देखो हम पहले इस स्क्वायर बॉक्स में देख रहे थे तब हमको ये और ये मिल रहा था, फिर मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला कि आपने ये लिखा है ना तो इस रो को चेक करो, फिर कुछ हो सकता है 7 का। अब देखो 7 का कुछ होने जा रहा है, इस रो में इस 7 की वजह से यहां पर नहीं आएगा, इस स्क्वायर बॉक्स में 7 आ गया तो यहां पे नहीं आएगा, तो 7 की दो पॉसिबिलिटी बची यहां पे और यहां पे, इस रो की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस 7 की वजह से ये ब्लॉक हो गया। अब बताओ 7 की एक ही पॉसिबिलिटी बची कि नहीं बची, तो 7 को डेफिनेटली यहीं पे आना पड़ेगा, ये 7 है भाई, लिखा नहीं जा रहा, हाँ अब लिखा गया। अब 7 को तो हमने फिल कर दिया, इसके अलावा अब और क्या भर सकते हैं और कहां पे भर सकते हैं, ये समस्या आ रही है।
कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखो कि स्टार्टिंग आपने कहाँ से किया था, रेंडमली आपने 7 को सिलेक्ट किया था ना, ऐसे अब की बार मैं 6 को देख रहा हूँ, 6 मैक्सिमम टाइम आ रहा है, तो मैं 6 की पॉसिबिलिटी चेक करूंगा, उसमें चेक करूंगा जिस स्क्वायर बॉक्स में 6 नहीं है, इसमें नहीं है, इस स्क्वायर बॉक्स में, तो यहाँ पे 6 को मैं चेक कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये दोनों कैंसिल, इसकी वजह से कैंसिल, दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसकी वजह से ये कैंसिल, तो 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा, इसमें आ जाओ, इसमें भी 6 नहीं है, तो इन दोनों की वजह से ये 6 है और ये 6 है, इन दोनों की वजह से ये दोनों कैंसिल, इसकी वजह से ये कैंसिल, 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है, इसमें भी 6 नहीं है, तो देखते हैं पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से ये दोनों कैंसिल, इसकी वजह से पूरा कैंसिल, दो पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, तो क्या करें। अब यहां पे आपको एक नई टेक्निक समझनी है, अच्छे से सीखनी है, ठीक है, और ये जो टेक्निक है वो क्या कहती है कि आप जिस भी स्क्वायर बॉक्स को फिल करना चाह रहे हो, जैसे कि मैं इस स्क्वायर बॉक्स में कोई एक डिजिट या एक से ज्यादा डिजिट फिल करना चाह रहा हूं, मेरे को कम से कम एक डिजिट भी मिल गई ना, अगर एक डिजिट भी मिल गई तो भी मेरे लिए ये जो ट्रिक जो मैं यूज करना चाह रहा हूं ये कामयाब रहेगी, साबित हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है वो क्या कहती है कि आप जिस भी स्क्वायर बॉक्स को फिल करना चाहते हो उस स्क्वायर बॉक्स के कोरस्पोंडिंग या तो किसी भी रो को देख लो, इसमें इसमें या इसमें, आगे की तरफ बॉक्स के अलावा, यानी इसमें देखो या इसमें या इसमें, इससे निकली हुई, ठीक है, या फिर सॉरी या फिर नहीं, जो आप रो देख रहे हैं ना, एक तो रो देख लिया आपने और इसी स्क्वायर बॉक्स से कोई एक कॉलम देख लो, इसी स्क्वायर बॉक्स की कोरस्पोंडिंग कॉलम, या तो ये कॉलम होगा या फिर ये या फिर ये, फिर से सुनो, जिस स्क्वायर बॉक्स का फिल करना चाह रहे हो उस स्क्वायर बॉक्स के कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम ऐसे आपको जज करने हैं जिनमें कॉमन डिजिट हो। मतलब अगर मैं देखूं तो इस स्क्वायर बॉक्स से एक ये, एक ये और एक ये 3 रोज निकल रही हैं, ठीक है, 3 पंक्तियां निकल रही हैं, तो इनमें मेरे को दिख रहा है कि ये जो एलिमेंट है ना, इसमें इसमें एलिमेंट काफी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ये जो कॉलम है इसमें कुछ ज्यादा आ रहा है, तो पहले इन्हीं को आप प्रायोरिटी दो जिसमें ज्यादा एलिमेंट है, जिसमें ज्यादा डिजिट है। क्या क्या प्रायोरिटी देनी आपको, वो ये कि जो आप इस स्क्वायर बॉक्स के कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम देख रहे हैं ना, उनमें इस स्क्वायर बॉक्स से बाहर कोई ऐसे डिजिट है क्या जो दोनों में कॉमन हो। देखो इस स्क्वायर बॉक्स से बाहर इस रो में 7, 5, 9 है, इस स्क्वायर बॉक्स से बाहर इस रो में 7, 9, 5 तीनों है, इसमें भी है इसमें भी है, तो अब आपको 7, 9 और 5 के लिए 3 डिजिट के लिए 3 प्लेस फिक्स मिलने वाले हैं। वो कैसे मिलेंगे, देखो अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 इन दोनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से 5 इन दोनों में नहीं आएगा इसकी वजह से, तो 5 की 3 पॉसिबिलिटी बची है। अब यहां पे हम 3 प्लेस पे 3 डिजिट को फिक्स कर रहे हैं, तो यहां पे आपको समझाने के लिए मैं डॉट लगा रहा हूं कि 5 यहां पे हो सकता है, 5 यहां पे हो सकता है, 5 यहां पे, ये 3 पॉसिबिलिटी आई थी अभी हमने देखा 5 के लिए, ठीक है। अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, 9 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, तो वापस से ये 3 प्लेस में हो सकता नहीं, ये पॉसिबिलिटी 9 की है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 7 की, तो इस 7 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा और इस 7 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, तो 7 की 3 पॉसिबिलिटी। फिर आप बोलोगे सर 7 तो नीचे भी है, यहां भी नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, तो आपको आप तो 7 की 2 ही पॉसिबिलिटी बता रहे, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने इसको नहीं देखा और मैंने ये जज कर लिया कि यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, अभी मैंने फिल थोड़ी किया है, जज तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहां पे 3 डिजिट आपने फिल की, 5, 7, 9 3 प्लेस में, इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों में 5, 7 और 9 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं आएगी। इसका मतलब आपने इन 3 प्लेस में 3 डिजिट को फिक्स कर दिया। अब आप चेक कर लो जिसको फिल करना चाह रहे थे। अब मैं 6 को फिल करना चाह रहा था, तो 6 की मेरे पास ये दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, देखो इसकी वजह से ये कैंसिल, इसकी वजह से ये कैंसिल, एक बार फिर से देखो, इसकी वजह से ये कैंसिल और इसकी वजह से ये कैंसिल, इसकी वजह से ये कैंसिल, तो ये दो पॉसिबिलिटी बची थी, उसमें से यही पॉसिबिलिटी बचती है। क्यों? क्योंकि इसको तो आपने फिक्स कर दिया ना, 5, 7 या 9 हो सकता है, इसमें 7 को हटाओ, 5 या 9 हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं होगा, इन तीनों में तो आपने फिक्स कर दिया, इन तीनों में 5, 7 और 9 के अलावा कोई नहीं आएगा, तो अब जो 6 है वो कहां जाएगा, फिर 6 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, तो 6 को डेफिनेटली यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है।
ओके, तो ये जो सिक्स है इसको फिल करें उससे पहले डॉट हटा देते हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, ये डॉट वाला 579 को फिक्स किया था आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका सिक्स। अब सिक्स इसमें नहीं है, देखो इसकी वजह से ये दोनों कैंसिल, इसकी वजह से ये दोनों कैंसिल, इस सिक्स की वजह से ये कैंसिल, तो सिक्स को फिर यहीं पर आना पड़ेगा। अब इस स्क्वायर बॉक्स को अगर मैं फिल करना चाहूँ तो इसमें देखो वन, एक, दो, तीन, चार, पाँच पॉसिबिलिटी है, टू, थ्री, थ्री की पॉसिबिलिटी इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है, चार पॉसिबिलिटी रिस्क है नहीं लेंगे। फोर की पॉसिबिलिटी देखो, फोर इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, फोर इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, एक डिजिट एक पॉसिबिलिटी, तो फोर को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आ गया फोर, ठीक है। ऐसे ही और डिजिट को देखते हैं किसकी पॉसिबिलिटी कहाँ पे बन रही है। तो अभी तक जो हमने फिल किया ना, इनके हेल्प से क्या चेंजमेंट हो सकता है, देखो जैसे कि अब मैं इस रो में देख रहा हूँ, इस रो में दिखने को तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस रो से बाहर आपको कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, जैसे 9 है 5 है 9 है 5 है, इसका मतलब यहाँ पे 9 5 नहीं आएगा और यहाँ भी 9 5 नहीं आएगा। तो इन तीन प्लेस में से देखो, कोशिश करो कि और कॉमन मिले, 5 9 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब दो प्लेस दो डिजिट फिक्स कर दिया आपने, जब ये फिक्स करना आप अच्छे से सीख जाओगे तो सुडोकू चुटकियों में भरा जाएगा। देखो तो मैंने यहाँ पे 5 और 9 को फिक्स किया, कैसे, इस प्लेस में 5 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसकी वजह से, ठीक है, 5 की ये पॉसिबिलिटी, ओके, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 5 की एक ही पॉसिबिलिटी, इन दोनों में क्यों नहीं आएगा, इस स्क्वायर बॉक्स में आ गया ये 5 का। ऐसे ही 9 को देखो, 9 यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है 9 की, इस 9 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है 9 की, और इस 9 की वजह से स्क्वायर बॉक्स में आने की वजह से दोनों में नहीं आएगा। इसका मतलब इसको और इसको आपने फिक्स कर दिया 5 9 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 3 के बाद 6 से पहले 5 और 9 का बॉक्स है, इसको मैं हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे और यहाँ पे 5 और 9 आ गया, ओके, 5 और 9 को आपने फिक्स कर दिया। अब देखो इसमें किसकी कमी है, 2 की कमी है, यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, 1 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी रिस्क क्या नहीं लेंगे 2 के लिए, 2 के बाद 3 आ गया, 4 को देखो, 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं आएगा इस स्क्वायर बॉक्स में आने की वजह से, 4 की 1 पॉसिबिलिटी 4 की 2 पॉसिबिलिटी रिस्क क्या नहीं लेंगे। 5 को और 9 को आपने फिक्स कर रखा है, ठीक है, 6 7 को देखो, अब 7 यहाँ पे नहीं आएगा, 7 यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे, आपने देखा था ना 5 7 9 को इनमें फिक्स किया था, सॉरी 7 को तो इन दोनों में किया था, इसकी वजह से ये दोनों कैंसिल हो गए थे, 7 के ये दो प्लेस थे इसकी वजह से ये कैंसिल हो रहा था, लेकिन अब 7 के लिए फिक्स प्लेस ये वाला आना ही वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया ना 5 9 को और यहाँ 5 9 को, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 5 या 9 हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आएगा, लेकिन हम कह रहे थे इन दोनों में 7 हो सकता है, तो 7 की पोजीशन यहाँ से कट हो गई, अब 7 को डेफिनेटली यहीं पे आना पड़ेगा और कोई इसके पास चारा नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखो इधर आ जाओ, अब यहाँ पे याद हो तो आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि इन दोनों में कौन आएगा, 3 और 9, क्योंकि 1 और 5 तो यहाँ पे आ गए थे, अब इस बॉक्स में बचा कौन, 3 और 9, तो 3 9 आपने यहाँ पे फिक्स कर दिए, अब इनमें कौन कौन बच रहा था, 4 और 7, तो 7 इसकी वजह से यहाँ पे कैंसिल, तो 7 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, 7 फिल हो गया, 7 बच रहा था और 4 बच रहा था, तो ये लो जी ये 4 आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 4 है उसकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो इस स्क्वायर बॉक्स में 4 की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, इसकी वजह से ये पूरा कैंसिल, इसकी वजह से ये कैंसिल, 4 की 2 पॉसिबिलिटी थी, और इन दो में भी आपने यहाँ पे 5 9 को फिक्स कर रखा है, तो 4 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा ना, तो 4 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ ये 4, ठीक है, अब लग रहा है कि हाँ सुडोकू कुछ भरा गया, ओके। अब और देखो यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया किसको, आपने 9 और 3 को फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब इसको देखो एक बार, इसको इसमें कुछ एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, 1 की पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 रिस्क का नहीं लेंगे, 2 की पॉसिबिलिटी चेक करो, यहाँ पे 2 नहीं आएगा इसकी वजह से, 2 यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, 2 की ये 2 पॉसिबिलिटी बची हैं, ठीक है।
थ्री को देखो, थ्री इन दोनों में नहीं आएगा, इसमें रिपीट हो गया, इस वजह से थ्री यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। फोर को फिल कर दिया, फाइव सिक्स सेवन एट, एट को देखो, एट यहाँ पे भी आ सकता है, एट यहाँ पे भी आ सकता है, रिस्क है, नहीं लेंगे। ऐसे ही और डिजिट सेलेक्ट करके देखते हो और क्या हो सकता है। अगर मैं इसको ही भरूँ तो ये जल्दी फिल हो सकते हैं, देखो, क्योंकि आपने फोर को लिखा है, दो को फिक्स कर रखा है ना, तो तीन प्लान आपके पास ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं, तीन डिजिट। देखो इस रो को एक बार फिर से देखो, वन आ गया, टू की कमी है, टू की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है, टू इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, एक पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे और यहाँ पे फाइव नाइन को फिक्स कर रखा है, तो दो की दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे और यहाँ पे दो आ सकते हैं, तीन चार पाँच, पाँच को और नौ को फिक्स कर रखे, भूल जाओ उनको, ठीक है, पाँच छः सात को देखो, अब इस स्क्वायर बॉक्स में सेवन आ गया तो इन दोनों में नहीं आएगा, इस स्क्वायर बॉक्स में सेवन है, यहाँ पे नहीं आएगा, सेवन की दो पॉसिबिलिटी, इस सेवन की वजह से कैंसिल। अब दो के लिए फिर चेक करो, इस दो की वजह से इन दोनों में दो नहीं आएगा, तो दो को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और अब दो की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ बन रही थी, यहाँ पे और यहाँ पे फाइव नाइन है, तो दो को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो किसकी कमी है, फाइव नाइन यहाँ पे आओगे तो फाइव नाइन के अलावा कौन बच गया, एट बच गया, तो एट को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इस स्क्वायर बॉक्स में सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस बाकी है, और वो कौन आएगा, एक आ गया, दो आ गया, तीन बाकी है, तो तीन को यहीं पे आना पड़ेगा। काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, ये हो गया, एक पूरा फिल हो गया हमारा। यहाँ पे आपने फिक्स कर रखा है फाइव को और नाइन को, ठीक है, यहाँ पे आपने फिक्स कर रखा है किसको, वन को फाइव को फिक्स किया था स्टार्टिंग में, वन फाइव को, तो वन फाइव यहाँ पे आ गया, बच्चा कौन, टू थ्री फोर बचा, वन फाइव आ गया तो फोर बचा, तो फोर को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, ओके जी। अब इसमें देखो किसकी कमी है, एक तो वन की, एक तो वन की और एक थ्री की, थ्री के लिए भी रिस्क है, तो वन थ्री आएगा इनमें, है ना, तो छोड़ दो अभी, यहाँ पे क्या आ रहा था, थ्री और नाइन आ रहा था, इधर रिस्क है, नहीं आ पाएगा, थ्री नाइन अभी फिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो फिक्स है, फाइव एंड नाइन। अब वापस इस पे आ जाओ, इस स्क्वायर बॉक्स में, क्योंकि आपने दो फिल किया है ना, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, कैसे क्या मिलेगा, एक बार फिर से देखो, एक यहाँ पे नहीं आएगा, एक की दो पॉसिबिलिटी बचती है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा था फाइव फाइव सेवन नाइन, ये और ये था, तो फाइव नाइन फाइव नाइन, तो वन के दो प्लेस है, टू के लिए ये कैंसिल करेगा, यहाँ पे फाइव सेवन नाइन बोल रखा था, यहाँ पे फाइव सेवन नाइन, यहाँ पे फाइव सेवन नाइन, तो टू की ये प्लेस बाकी थे, लेकिन टू तो आ चुका ना, टू को क्यों चेक कर रहे हैं, टू के बाद देखो, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट को देखो, अब आप एट की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, एट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, थोड़ा रिस्क है, नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और देखते हैं और क्या हो सकता है, तो अभी आपने नोट की होगी एक बात, यहाँ पे हम फिक्स कर रहे थे ना, देखो इसको फाइव नाइन को फिक्स कर दिया, सेवन तो आपने भर दिया, ये तीन प्लेस थे, सेवन ये यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है, फाइव नाइन यहाँ पे, और अभी आपने देखा फाइव नाइन यहाँ पे आ रहा था, फाइव नाइन इन दोनों में फिक्स हो गया, तो बच्चा कौन इस स्क्वायर बॉक्स के लिए, फाइव नाइन आ गया, फाइव नाइन आ गया, वन बच्चा, दो पॉसिबिलिटी है, और एट बच्चा, है ना, रिस्क थी, तो अब इसको देख लो ना आप, तो यहाँ पे कौन कौन बच्चा, वन और एट, तो वन और एट तो आपने फिक्स कर दी दो प्लेस में, तो टू बचा ना इस रो में, तो टू यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये टू आ गया। अब इसको फिल करके देखो, वन की पॉसिबिलिटी एक दो तीन, रिस्क है, नहीं लेंगे, दो आ गया, तीन की पॉसिबिलिटी देखो, तीन यहां पे आ सकता है, तीन यहां पे आ सकता है, इसकी वजह से यहां पे नहीं आएगा, चार आ गया, पांच आ गया, छह सात आठ, आठ फिर दिक्कत कर रहे हैं, तो आठ की फिर से वही पॉसिबिलिटी बन रही है। और चेक करते और क्या हो सकता है, तो ऐसे ही अगर अब मैं बात करूं, जैसे कि इस रो की बात करता हूं, तो इसमें देखो किस किस की रिक्वायरमेंट है इसकी, इसलिए क्योंकि इधर इधर से काफ़ी मेरे को डिजिट मिल चुकी है ना, तो यहाँ पे वन की पॉसिबिलिटी बन रही है, एक दो इसमें नहीं है, बहुत सी पॉसिबिलिटी है। टू को अगर मैं चेक करूं, तो टू यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, इस स्क्वायर बॉक्स में आने की वजह से, टू की पॉसिबिलिटी एक और एक ये दो, इसमें इसमें इनकी और इनकी वजह से नहीं आएगा, तो टू की ये दो पॉसिबिलिटी हैं, ये वाली फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, ठीक है। थ्री को अगर मैं देखूँ तो ऑलरेडी है, फोर को देखो, फोर इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, फोर इन दोनों में नहीं आएगा, इसके स्क्वायर बॉक्स में आ गया,
फोर इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा, तो फोर को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो फोर को हमने लिख दिया। ऐसे ही और चेक करते हैं, यहाँ पे भी तो एक डिजिट भरी जा सकती है। देखो यहाँ पे ये तीन यहाँ पे आ गया, तीन यहाँ पे आ गया, तीन का प्लेस ही बाकी है। ऐसे अब आप तुरंत जज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिजिट काफ़ी आपने फिल कर दी है। तो ये तीन आया है, तो इसकी वजह से भी कुछ हो सकता है, जैसे कि इस तीन की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा तीन, इस तीन की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा तीन, तो तीन को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इसमें देखो किस किस की पॉसिबिलिटी बन रही है, एक की दो पॉसिबिलिटी है, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पाँच आ गया, छः सात आठ, आठ की भी ये दो पॉसिबिलिटी है, तो रिस्क है, वो रिस्क अभी हम नहीं लेंगे। अब अगर मैं इसको भरना चाहूँ तो यहाँ से भी कुछ मिल सकता है। देखो जैसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ डिजिट लिखी है ना बॉक्सों में, तो अगर मैं इसमें देखो किसकी कमी है, एक, एक की पॉसिबिलिटी, एक दो तीन चार पॉसिबिलिटी है, रिस्क नहीं लेंगे इस रो में। दो तीन को अगर मैं देखूँ तो इन इन दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में तीन आ चुका ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी कैंसिल, तो तीन को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो स्क्वायर बॉक्स है ना, इसमें ये जो पाँच है इन दोनों को कैंसिल करेगा, पाँच था भी नहीं यहाँ पे, तो पाँच को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आठ है वो इसको कैंसिल करेगा, आठ यहाँ पे आएगा। अब एक डिजिट एक प्लेस, और वो कौन, वन, ये बॉक्स भी फिल हो गया आपका। अब इसमें एक की पॉसिबिलिटी है, और एक के साथ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक और आठ इनकी रिक्वायरमेंट है, तो अभी रिस्क है, नहीं लेंगे। ऐसे ही और जज करते हैं और देखते हैं, अगर मैं इसको देखूं, इसको तो एक दो की कमी है, दो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं दो के लिए, इनमें नहीं आएगा इसकी वजह से। तीन को अगर मैं देखूं तो तीन इन दोनों में हो सकता है, इसकी वजह से कैंसिल, तो तीन को यहाँ पे आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में तीन आ चुका, तो इन दोनों में नहीं आएगा तीन, तो फिर तीन की दो पॉसिबिलिटी, उसमें से भी ये इसको कैंसिल करेगा, तो तीन यहाँ पे आएगा। अब इस कॉलम में तीन आ गया, एक डिजिट एक आपके पास प्लेस बाकी है, और वो कौन, नाइन, यहाँ पे नाइन थ्री फिक्स कर रखा था आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नाइन। अब इसमें देख लो या फिर इसमें देख लो, किसी में भी, अब तो कंटिन्यू भरे जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इसमें एक की, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, और अगर मैं इसमें बात करूँ पाँच की, तो पाँच यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी जिंदाबाद है, रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, एक पाँच आ सकता है, इनमें आ जाओ। एक दो, दो की ये दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, तीन चार पाँच, पाँच की पॉसिबिलिटी, पाँच यहाँ पे भी हो सकता है, पाँच यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी तीन पॉसिबिलिटी हैं, छः सात आठ नौ, नौ की पॉसिबिलिटी, नौ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, रिस्क है, अभी ये रिस्क भरा है, अभी नहीं भरेंगे इसको, तब तक बाकी औरों को देखते हैं। और औरों में भी ये जो फर्स्ट रो है ना, इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस बाकी है, कौन रह गया, एक दो तीन रह गया ना, बाकी सारे हैं चार पाँच छः सात आठ नौ, तीन रह गया, तीन को यहाँ पे मैंने फिल किया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी तीन की और एक की, तो तीन यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, तो यहाँ पे तीन आएगा। अब सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस इस स्क्वायर बॉक्स में, एक, एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके। अब एक दो तीन प्लेस बाकी है इसमें, क्या क्या हो सकता है, एक आ गया, दो की रिक्वायरमेंट है, दो यहाँ पे हो सकते हैं, दो यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, तो दो की ये दो पॉसिबिलिटी है, एक और एक की, दो फर्स्ट लास्ट, ठीक है। तीन चार को देखो, चार की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, चार की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, फर्स्ट लास्ट, इसका मतलब दो चार फिक्स हो गए, दो चार यहाँ पे और यहाँ पे, फर्स्ट में लास्ट में दो चार फिक्स हो गए, बचा कौन, पाँच छः सात आठ बचा, तो डेफिनेटली आठ को फिर यहीं पर आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने दो को और चार को फिक्स कर रखे हैं, इनमें से कोई एक, यहाँ पे भी दो और चार, यहाँ पे तो दो चार हो नहीं सकते, तो आठ बचेगा फिर वो यहीं पे आएगा, ठीक है, तो आठ ही आ गया। अब इस रो में देख लो आप, आठ आ गया, नौ नहीं है, तो नौ को अगर मैं देखूँ तो नौ यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, रिस्क नहीं लेंगे। नौ आठ सात छः पाँच को देखो, पाँच यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, पाँच यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो पाँच को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब याद करो आपने पांच और नौ को फिक्स कर रखा था, तो नौ को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंगल, अच्छा सिंगल डिजिट नहीं है, अब इसमें फिर से देखो, इसमें किसकी कमी है, एक की कमी है, एक यहाँ पे भी हो सकता है, एक यहाँ पे भी हो सकता है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ को अगर मैं देखूँ तो नौ इसकी वजह से
यहाँ पे नहीं आएगा तो नौ को यहाँ पे होना पड़ेगा। अब कौन बचा? एक बच्चा, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पे पांच और सात और नौ को फिक्स किया था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो पांच सात नौ के अलावा पांच सात आ गया, नौ बचेगा, नौ यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन आएगा? आठ बच गया, आठ यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। इसमें एक हो सकते हैं, तीन प्लेस है, दो आ सक, दो तीन चार पांच आ सकता है, पांच कहाँ कहाँ आएगा? यहाँ पे, यहाँ पे दो प्लेस है पांच के लिए। ठीक है, पांच के बाद छह सात आठ, आठ और बच गया, तो आठ की पॉसिबिलिटी जिंदाबाद है, रिस्क है, इसको हम फिल नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को देख लो, यहाँ पे दो प्लेस, क्या क्या, एक, एक नहीं है ना, तो एक यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, रिस्क है। दो की पॉसिबिलिटी देखो, दो भी नहीं है ना इसमें, तो दो यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल रिस्क है, नहीं लेंगे। इसमें चेक करो, एक यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। दो तीन चार, चार को देखो, चार यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है, चार फर्स्ट लास्ट, इनमें चार आ सकता है। ठीक है, चार के बाद पाँच छः सात आठ, आठ को देखो, आठ यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से मान लो, या फिर स्क्वायर बॉक्स में आ गया। ठीक है, तो आठ और कहाँ हो सकता है? यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकते हैं, पर नो, रिस्क है, नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कौन बच रहा है फिर, एक बार इनको और चेक कर लो, एक हो सकता है और आठ हो सकता है, रिस्क है। तो अब क्या करें? अब और देखो, कोई सिंगल डिजिट बची हो तो पहले उसको फिल करो, वो तो नहीं है, तो अब इनको, इनको, या फिर और क्या हो सकता है? अगर मैं पहले इसमें चेक कर लूँ तो देखो, इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि तीन ही डिजिट है और आपने बहुत से डिजिट भर दी हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इस कॉलम में एक यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, एक की एक पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, तीन चार, रिस्क है। दो को देखो, दो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा इसकी वजह से, या फिर इसकी वजह से मान लो, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे, यानी दो की फर्स्ट और लास्ट, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। तीन चार, चार देखो, इन तीनों में नहीं होगा इसकी वजह से, इसमें नहीं होगा इसकी वजह से, तो चार की ये दो पॉसिबिलिटी हैं, रिस्क है। पांच को देखो, पांच को अगर मैं देखूँ तो इन दोनों में नहीं आएगा इसकी वजह से। ठीक है, पांच यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, रिस्क है। छः सात आठ को देखो, आठ यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, यहाँ पे हो सकता है एक, यहाँ पे हो सकता है दो, यहाँ पे हो सकता है तीन, इसकी और इसकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं होगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं होगा। नौ को चेक करो, ये तो रिस्क भरा है, नौ को एक और देख ले एक बार, नौ यहाँ पे नहीं होगा, या फिर ऐसा करो, ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसमें नौ आ चुका है, तो इन दोनों में नहीं होगा। ठीक है, इस स्क्वायर बॉक्स में भी नौ है, इसमें भी नहीं होगा। अब इन तीन में से इसकी वजह से यहाँ पे नहीं होगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं होगा, तो नौ को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने देखा होगा, दो को फिक्स किया था हमने, देखो दो की कमी ना, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो दो को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इस रो में सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस, और वो क्या, एक दो तीन चार पाँच नहीं है, पाँच यहाँ पे आएगा, बाकी सारे हैं ना, पाँच के बाद छः आ गया, सात आ गया, आठ आ गया, नौ आ गया। ठीक है, अब इस स्क्वायर बॉक्स में सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस कौन, एक, ओके। अब देखो यहाँ पे एक की दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको फिल कर लो, इस रो में सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस, एक आ गया, दो आ गया, तीन चार पाँच, पाँच कहें, पाँच, पाँच नहीं है, छः सात आठ नौ, तो पाँच को यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, ये पाँच आ गया। अब अगर मैं देखूँ पाँच को, तो और कहाँ सकता है, देखो इस स्क्वायर बॉक्स में इस पाँच की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो पाँच को यहाँ पे आना पड़ेगा, ये फाइव हो गया। ठीक है, और इसमें अब अगर मैं फिल करूं, तो एक की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। और किसकी रिक्वायरमेंट है इसमें, दो की, दो ऑलरेडी है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, आठ, आठ की रिक्वायरमेंट है, आठ यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, आठ यहाँ पे नहीं आएगा, तो आठ को फिर यहाँ पे ही आना पड़ेगा। अब बताओ, इसमें एक की कमी थी, वो एक आ गया, अब इसमें किसकी कमी है, एक की कमी है, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा अब किसको फिल करें, या तो इनको कर लो, इसमें किसकी कमी थी, एक की कमी थी, इस स्क्वायर बॉक्स में एक आ गया, तो एक फिर यहाँ पे आएगा, और किसकी कमी, आठ की, आठ यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस स्क्वायर बॉक्स में एक दो की कमी है ना, इसकी वजह से यहाँ पे दो नहीं आएगा, तो यहाँ पे दो आएगा।
3, 4। अगर मजा आ रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, जो भी नई टेक्निक सीखी है उसके लिए। 4, ओके। अब इसको फिल कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 की कमी है, ये लो जी 8 आ गया। ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा है बस एक। देखो पहले एक, इसकी और इसकी वजह से ऊपर वालों में नहीं आएगा, एक यहाँ पे आएगा। दो को देखो, दो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, दो को यहाँ पे आना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका सुडोकू कंप्लीट होता है। चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है फीडबैक के लिए।